कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, वैसे खास होने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी बताऊंगा कैसे वॉश करते हैं। जैसे आपको पता है मेरे पास जो है हीरो ऑप्टिमा लिथियम पावर वाली बैटरी है जो लिथियम से चलती है, ठीक है। एंड आज मैं इसको वॉश करने वाला हूँ। पहले आप देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा गंदी हुई है क्योंकि रिसेंटली बारिश वगैरह होकर हटी थी, जिस वजह से इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डस्ट चिपक चुकी है। आज मैंने सोचा है संडे है, साफ़ करते हैं। एंड मैंने सोचा है मैं वॉश करने वाला था, जस्ट स्टार्ट ही किया था, फिर मैंने सोचा यार वीडियो बना लेते हैं, मैं भाइयों को बताते हैं कैसे वॉश करते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरी स्कूटी तो ठीक है, बट मैंने यहाँ पर एक लिफाफा लगा रखा है। लिफाफा क्यों लगा रखा है? क्योंकि भाई बहुत स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रख के ही स्कूटी वॉश करनी चाहिए। जैसे हमारे पास जो पेट्रोल वाली बाइक्स होती हैं, जो पेट्रोल से चलती है, इंजन होता है उनको, तो जस्ट प्रेशर से धो लो, जैसे मर्जी धो लो, उनको कुछ नहीं होता। बट बात जब आती है इलेक्ट्रिक स्कूटी की, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी को भाई बच्चों की तरह प्यार से धोना पड़ता है, क्योंकि गलती से पानी इसके अंदर चला गया ना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, वहाँ पर ये ख़त्म, ठीक है। बहुत सारे केस आते हैं, भाई मुझे कमेंट करते हैं भाई कैसे वॉश करते हो, तो आज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखो मैंने यहाँ पर लिफाफा लगा रखा है, क्योंकि इसके नीचे जस्ट यहाँ पर इसके मोटर के जो है वायरिंग है, अगर उसमें पानी चलाता है क्या क्या होता है, ये टेस्ला बन जाती है, ठीक है। इसी को बचाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है लिफाफा लगा रखा है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैंने की तो लगा रखी है, जस्ट ऑन भी करने के बाद जो है स्कूटी ऑन नहीं हो रही। क्योंकि आपको बताते हैं, जब आप वॉश करने वाले हो, वॉश करने से पहले अगर आपने बैटरी निकाल रखी है तो मच बेटर। अगर आपने बैटरी नहीं निकाल रखी, सोच रहे मैं बैटरी ना निकालूँगा अभी ऐसे धो लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, इसकी मेन जो है MC इसको ऑफ कर देना है। अगर आपने इसको बिना ऑफ करे धोई, गलती से पानी अंदर कहीं भी चला गया मोटर में, या फिर वहाँ से भी पानी किसी भी जो है कहीं सी जगह से भी पानी अंदर चला गया, तो भाई बहुत हो जाएगा बुरा हाल, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी स्कूटी ख़राब हो सकती है, अच्छा खासा आपका नुकसान हो सकता है। इसको बचाने के लिए यहाँ पर जो आपको मेन MC दी गई है, जो कि पूरी स्कूटी की पावर कट ऑफ कर देती है, उसके बाद जैसे मर्जी धोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और हो सके तो आप इसको प्लग आउट भी कर दीजिए, मच बेटर होगा, क्योंकि ज़रा सेफ्टी हो जाती है, ठीक है। वो कर लेना और लिफाफा यहाँ पर जोर से रख लेना। एंड अब हम उसको वॉश करना स्टार्ट करते हैं। बता दूं वॉश करने वाले हो तो कभी भी इसके ऊपर प्रेशर का इस्तेमाल मत करना, गलती से भी नहीं करना। इस्तेमाल करेंगे ये मग से बाल्टी का पानी, बिल्कुल देसी तरीका। अगर आप घर पर धो रहे हो भाई, इसके चीज़ का ध्यान रखना, आराम से धोइए। वो पानी ऐसे नहीं भाई फेंक फेंक के मारो, बिल्कुल आराम से मारना पानी इसके ऊपर, जैसे मैं मार रहा हूँ। बिल्कुल ये प्यारी चीज़ है भाई, ऐसी नहीं कि बस फेंक ही चलो पानी, पानी भी पूरा ढंग से फेंकना है। वहाँ वहाँ पर जगह नहीं फेंकना जहाँ पर इसकी स्पेस ही हो, आपको पता ही है इसमें जैसे यहाँ पर गैप छोड़ जाता है, यहाँ पर कितना बड़ा गैप है, ऐसे नहीं इस पर फेंक के मारना, बस ऐसे भी जस्ट प्यार से ऊपर को रखेगा। मीनवाइल नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि आपको और ध्यान पर रखनी चाहिए। चलो हम यहाँ से तो वॉश कर रहे हैं स्कूटी को, ठीक है, और बढ़िया भी लग रहा है। और चीज़ आपने ध्यान रखना, हम लोगों की क्या आदत होती है, यहाँ से वॉश कर रहे हैं और यहाँ से भी हम पानी डालेंगे, ठीक है। अंदर पर ध्यान से देखो, अंदर सारे जो है इसके सर्किट हैं, ठीक है, बस जो आपको विजिबल है ना वो हिस्सा सारा वॉश करो, इसके ज़्यादा डीपली अंदर मत घुसो, ठीक है। अंदर घुसोगे तो पानी जो है सर्किट तक पहुँचेगा, वैसे नहीं तो वैसे पहुँच जाएगा, बट जो आपको बाहर बाहर से जो हिस्सा ना बॉडी है बस उसको वॉश करना है, कुछ भी अंदर तक इसके घुसना ही नहीं है फालतू। एक बार फिर से क्रॉस चेक करें कि आपकी सीट लगी हुई है ना, ये खुली नहीं चाहिए। अगर आराम से पानी डालते रहो और इसको करते रहो। और एक और बात, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप पड़ा है जिससे जो है इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस वजह से सीधा पानी मारने का तरीका ऐसे ही है, जस्ट ऊपर ऊपर से सारा हिस्सा धोते जाओ, ठीक है। चार्जिंग सॉकेट में पानी चला गया तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, वॉश करिए आराम से, और आपको बताऊँगा अगर पानी चला जाए उसके बाद आपने क्या करना है। अब हमारी स्कूटी देखिए ध्यान से, तो अच्छे से जो है गीली हो चुकी है। नेक्स्ट आपने कहा है अच्छे क्वालिटी का शैम्पू यूज़ करना है, उसके बाद ऐसा कुछ कपड़ा यूज़ करना है जो कि सॉफ्ट हो, एंड उसके बाद पता ही आपको गीला करें और साफ करना शुरू कर दें। बता दूं जो जो हिस्सा आपको बाहर पोड़ी दिख रही है बस वही साफ करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आप नहीं करना। ये आपको पहले बता दूं, ये पेट्रोल वाली बाइक नहीं है कि जहाँ मर्जी दो भाई वहाँ पानी लगा दिया, सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है। जैसे बस जो बाहर बाहर पोड़ी है, लग्स वगैरह, ये बॉडी वगैरह, बूट स्पेस, बूट फुट ड्रेस, ये सारी आपने साफ कर लेनी है। हो गई कि हम बाहर तो कर दें साफ, बात आती है मोटर की, मोटर में हम ये मार सकते हैं कपड़ा, तो मैं आपको बता दूं हाँ भाई आराम से मार सकते हैं, बट आपने ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उस साइड आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर मोटर के जो है कनेक्शंस है वो नहीं टूटनी चाहिए। बात कर रहा है जिस मोटर कनेक्शन की, तो आप देख सकते हैं ये जो वाली ऑरेंज वायर है, देखें सारी मोटर की वायर है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस साइड मोटर साफ करनी, जैसे मेरी गंदी हुई भी है, तो करिए बेशक आराम से करिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है। बट आपने क्या करना है, इधर नीचे से नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इसके कनेक्शन है, जस्ट आपने ये वाला जो है गार्ड इसको साफ कर देना
ओके। बट नीचे ऐसे कर लेना, बट पूरा का पूरा यहाँ तक फ्रेम ही नीचे से करना वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो है मोटर के कनेक्शंस है, हो सके बस यही हिस्सा साफ़ करें, उसके बाद जो है ये मोटर का जो ऊपर का ढक्कन है उसको साफ़ कर लें। बाकी जो है एक्सटर्नल और कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मोटर कनेक्शन है। मैं नहीं चाहता कि आप गलती से कोई कनेक्शन वगैरह छेड़ दें या ख़राब कर दें। ओके, यहाँ से जो है मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। इंडियन आप देख सकते हो कि अब जो है मैंने स्कूटी को पूरा शैम्पू से धो दिया है, पूरा ऊपर से शैम्पू लगा दिया है। अब जो है टाइम है फिर से इसको पानी से धोने का, सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने पहले धोई थी स्टार्टिंग वक्त में, बट जो है फिर से आपने वही चीज़ का स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा जो पहले आपने ध्यान पर रख दिया था, कहीं पर एक्स्ट्रा गैप में से पानी अंदर ना चला जाए। बाकी जो आराम से धोइए, कोई भी प्रेशर का इस्तेमाल मत करना, एंड जो नीटर नीचे की साइड मोटर का वायरिंग कनेक्शन है उस साइड हो सके कम पानी इस्तेमाल करना। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्कूटी है वो हमने शैम्पू से अच्छी धो दी है, पूरा शैम्पू उतार दिया है। एंड अब आपने क्या करना है, इसको सीधा कपड़े से पोंछना नहीं शुरू करना, पहले ही आपने 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देना, क्योंकि जो पानी इसके अंदर चला गया हो ना स्विचेस में, वो खुद ना खुद 10 मिनट में अपने आप बाहर आ जाएगा। एंड आप थोड़ी बहुत आपकी स्कूटी सूख जाएगी। ओके, सीधा मत पोंछने लग जाना, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं सूखेगा एंड आपको लगेगा स्कूटी मैंने अच्छे से साफ कर दी है, वो तरीका गलत होगा। इस सिचुएशन में पानी देखो यार थोड़ा सा यहाँ तक भी आया, अगर मैं इस चीज़ को ना देखता, ठीक है। और आपको पता ही यार इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसी है यार, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते पानी कहाँ कहाँ से जाएगा। अब मैं इसको पूछूंगा, अच्छे से साफ करूंगा, फिर जो है स्कूटी बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स गाइस नोट ऑन करने सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर बाद में पछताओगे, काश उस भाई की बात मान लेते, ठीक है। ठीक है गाइस, स्कूटी को मैंने पूरा सूखे कपड़े से पूछ लिया है एंड अभी देखने में भाई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि साफ़ हो चुकी है। पहले देखते थे बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी, उस वजह से गंदी लग रही थी। एंड आपको वो चीज़ बता दूँ, जब इसको पूछ रहे हो ना सूखे कपड़े से, आपने क्या करना है, ये गार्ड को साफ़ कर लेना, बट मोटर को नहीं साफ़ करना, ये बात सही है। क्योंकि इसके जो अंदर मोटर कनेक्शन होते हैं, आप नहीं चाहोगे कि आप गलती से उस कनेक्शन को तोड़ दो, अगर तोड़ दिए तो भाई अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं कहूँगा मोटर साफ कर लीजिए जरूर, बट पहुँचते वक्त इसको साफ करने की जरूरत नहीं है सूखे कपड़े से, ये खुद से अपने सूख जाएगी मोटर, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बात जो है इसको एक बार से जरूर से खुला रख के छोड़ देना हवा में, ताकि ये सूखे जाए। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऐसे ध्यान से धोया जाता है कुछ बच्चों की तरह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो है अंदर पानी चला गया तो आपने इस चीज़ को पूरा सूखने के बाद ही चलाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बाद में मुझे मत कहना भाई आपने ये बताया नहीं, मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है तो बाकी आपको सारे पॉइंट्स पता लग गया ना क्या क्या चीज़ नोटिस करनी है। इन दी एंड हाँ, मैंने बात की थी ये प्लग्स की, तो ये प्लग्स का करना आपने बिल्कुल सूखने के बाद इसको चार्जिंग में लगाना है, यूज़ करना है, अदरवाइज ये सूखा ना भाई फिर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। पूरा सूखने देना फिर बाद में जो है इसको यूज़ करना। बाकी जो आपके पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पर कि बैटरी निकाल के आप चार्ज लगा सकते हो, इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्लग तो अच्छे से सूखने देना, उतने वक्त क्या करना बैटरी निकाल के बाहर फिर चार्जिंग में लगा लेना, ठीक है गाइस। बाकी जो है हमारी हीरो ऑप्टिमा कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो जरूर से लाइक करना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा रेड बटन का, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी जल्दी फटाफट से हमारे 3K करवा दो गाइस, हमको यार जस्ट 200 सब्सक्राइबर रह गए यार, या फिर 100 सब्सक्राइबर रह गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को।